हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन क्लासेस। सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। सो अवर टूडेज कंसेप्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन कॉल इट एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हैज़ थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों अगर आप चले जाओ, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसकी इंपॉर्टेंट थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स एज ए मैनेजर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन ऑल दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। What are organizational objective? बच्चों देखो, कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है तो उसका एक गोल होता है, और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजर वर्क कर रहा होता है वो उस गोल को अचीव करना चाहता है। मीन्स वेन एवर एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, इट हैज़ सम गोल्स विच मैनेजर वॉन्ट्स टू अचीव, एंड वट एवर ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव इन सिंपल टर्म्स कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होते हैं बच्चों, वही ऑर्गेनाइजेशंस के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें करवाता हूँ। नेक्स्ट आता है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है बच्चों कि से इफ़ यू आर ऑपरेटिंग एन बिजनेस, देन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू सोसाइटी, देन टूवर्ड सोसाइटी यू हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक यूजिंग फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डिलीवर राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एट राइट प्राइस, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बच्चों आप इसको नॉर्मल, अगर मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई एक बिज़नेस का जो भी सेटअप होता है, बिज़नेस को जो इनपुट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सोसाइटी से। और बिज़नेस जो अपने आउटपुट, अपनी प्रोडक्शन को जो सेल करता है वो भी सोसाइटी में जाके ही करता है। तो उस बिज़नेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस सोसाइटी के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। तो वही जो होता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ सी, इफ़ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और यू आर ए मैनेजर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, देन इट्स योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट हूएवर सबॉर्डिनेट्स और इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर यू, अंडर यू मीन्स अंडर एनी मैनेजर, डेवलप और ग्रो। भाई कोई भी सबॉर्डिनेट्स या इम्प्लॉय आपके अंडर जो काम कर रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि उसको एक अच्छी ग्रोथ मिले। एज आई डिस्कस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि कोई भी इंडिविजुअल जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका एक अपना इंडिविजुअल गोल होता है, चाहे वो सैलरी की टर्म्स में हो, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस की टर्म्स में हो, चाहे वो इंटर्नशिप की टर्म्स में हो, चाहे वो प्रमोशन की टर्म्स में हो। तो जो भी उस इंडिविजुअल्स का गोल होता है, जिस भी मोटो से वो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, एज ए मैनेजर ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक केयर ऑफ दैट इंडिविजुअल गोल्स। से 5 से 10 साल किसी इंडिविजुअल ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 5 से 10 साल काम करने के बाद जिस तरह की ग्रोथ उसको मिलनी चाहिए थी, उस तरह की ग्रोथ उसको नहीं मिली, तो क्या आपको लगता है कि वो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। यानी कि एक एक्सपीरियंस और एक अच्छा इंडिविजुअल इस ऑर्गेनाइजेशन से चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इन फ्यूचर जो एक अच्छी टीम उस ऑर्गेनाइजेशन की बन सकती थी बच्चों, वो नहीं बनेगी, राइट। तो बेसिकली देर आर थ्री मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकेंड वन इज सोशल, एंड थर्ड वन इज पर्सनल। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बच्चों अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, दे ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स,
three categories. We can divide each business organizational objective into three categories. First one होता है बच्चों survival, second one होता है बच्चों profit, और third one होता है growth. अब वन बाय वन बिल्कुल रिलैक्स होके आपने एक एक ऑब्जेक्टिव को समझना है. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल. सी, वेन एवर वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जब भी बच्चों में एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला पर्पस क्या होता है, फर्स्ट पर्पस क्या होता है कि हमें उस मार्केट में हमें स्टैंड करना होता है. स्टैंड करने का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी मेरी उस बिजनेस में कॉस्ट इनकर हो रही है उसको कवर अप करना. अब फर्स्ट पर्पस इज टू मेक श्योर दैट माई सेल और रिवेन्यू शुड बी गुड इनफ टू कवर अप द कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस. कि जो भी उस बिजनेस के मेरे खर्चे हैं वो मेरे कवर अप होने चाहिए, यानी कि मेरी जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए. एटलीस्ट मैं इतना कमाऊँ कि जो मैं कमा रहा हूँ, जो भी मैं बिजनेस में मैंने पैसा लगाया वो मेरा कवर अप हो जाए. से मेरे जो जिस भी बिजनेस, जो भी मेरा बिजनेस है, कोई शोरूम है, कुछ भी है, उसका मेरा मंथली रेंट जाता है, मैं एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, उसमें सारा खर्चा मिला के मेरा 1.5 लाख या 2 लाख का मंथली बनता है. तो एटलीस्ट मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि मेरा ये ज़रूरी है, मेरा बिज़नेस तभी सर्वाइव कर पाएगा कि कम से कम मंथली मेरा बिज़नेस जो है मुझे 2 लाख का रिवेन्यू जनरेट करके दे. 2 लाख के आपके खर्चे हैं, 1.5 लाख रुपए आपके बिजनेस से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? कब तक अपने घर से पैसा लगाते रहोगे? तो दैट इज़ व्हाट सर्वाइवल मीन्स. द डे वी आर इन सच अ सिचुएशन दैट इज वी एबल टू जनरेट सच रिवेन्यू दैट कवर अप द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. दिस पोजिशन, अगर बच्चों में इकोनॉमिक्स से इसको रिलेट करूँ, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा ब्रेक इवन पॉइंट. इसी पोजीशन को बच्चों टेक्निकली हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. दिस पोजीशन इज टेक्निकली कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर सेल्स और रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू द कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस. देन आवर बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. इन शॉर्ट, आप कमा नहीं रहे हो, राइट? यू आर नॉट अर्निंग, बट ऑल्सो आपकी पॉकेट से भी बच्चों कुछ नहीं जा रहा है. आप इतना कमा रहे हो कि जो आपकी बिजनेस की जो कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो कवर अप हो रही है. इसको बच्चों एक बहुत अच्छी लाइन से डिफाइन किया जाता है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ क्विक रिवीजन के बारे में भी बताया था, जो मैंने आपको कहा था कि आगे भी क्विक रिवीजन में मैं कीवर्ड्स मेंशन करूंगा. वो कीवर्ड्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली दैट 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम एक एग्जामिनर आपकी बिजनेस स्टडी की शीट को चेक करने में देता है. तो इतना टाइम 4 to 5 मिनट्स में पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी पूरी शीट्स को या पूरे पेपर को कोई स्टडी कर पाए. वो सिर्फ देखते हैं कीवर्ड्स, और वही कीवर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ही आपका फोकस रहेगा. और ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम्स में भी लिख के आने हैं और उनको अंडरलाइन करके आना है, क्योंकि इन्हीं पर एग्जामिनर का फोकस रहता है. तो अगर मैं सर्वाइवल जो आपका ये ऑब्जेक्टिव है, अगर इसको मैं कीवर्ड से डिफाइन करूँ, यू कैन से दैट नॉट गेटिंग किल्ड बाय द कंपटीशन, कि जो मार्केट में कंपटीशन है उससे आपका बिजनेस ठप नहीं हो रहा है, बिजनेस आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, आप सर्वाइव कर पा रहे हो, राइट? नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट कैटेगरी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की आती है, फर्स्ट वन हो गया सर्वाइवल. आई होप सर्वाइवल आपको क्लियर हो गया कि जो भी हमारी रिवेन्यू है वो इतना जनरेट होना चाहिए कि जो हमारी बिजनेस की कॉस्ट है या एक्सपेंडिचर है वो हमारा कवरअप होना चाहिए. इफ़ आवर रिवेन्यू और सेल्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू द कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, देन वी कैन से दैट अवर बिजनेस विल सर्वाइव, देन वी आर इन अ पोजिशन ऑफ सर्वाइवल. नेक्स्ट आता है बच्चों प्रॉफिट. नाउ इन्वेस्टर हैज़ इन्वेस्ट हिज और हर हार्ड अर्न मनी इन टू द बिजनेस. बच्चों जो भी ऑनर है, इन्वेस्टर है, उसने अपनी एक हार्ड अर्न मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है. देन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू प्रोवाइड गुड रिटर्न टू द इन्वेस्टर और ऑनर्स. तो ये अब ड्यूटी बनती है मैनेजर की, जिसने इन्वेस्टर ने या ऑनर ने इतना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, कि उसको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया जाए, राइट? सो आफ्टर एंश्योरिंग द सर्वाइवल, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टू जनरेटिंग द एनफ ऑफ प्रॉफिट.
so that fair returns can be provided to the investor of the organization. बच्चों आफ्टर सर्वाइवल जो नेक्स्ट टारगेट होता है मैनेजर का वो क्या होता है, टू जनरेट इनफ ऑफ प्रॉफिट. इनफ ऑफ प्रॉफिट का मतलब एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना. इट मीन्स आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज सर्वाइवल. सर्वाइवल मीन्स टू जनरेट इनफ रिवेन्यू टू कवर अप द कॉस्ट, राइट? वेरी गुड. देयर आफ्टर अवर नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टू जनरेट प्रॉफिट. जनरेट प्रॉफिट मीन्स दैट इज टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर और द ऑनर. सो दो क्राइटेरिया बच्चों आपका समझ में आ गए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल. सर्वाइवल मीन्स टू जनरेट इनफ रिवेन्यू टू कवर अप द कॉस्ट. जितना भी हमारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है बच्चों, जो भी कॉस्ट है बिजनेस में, जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, एटलीस्ट हमारा बिजनेस उतना रिवेन्यू जनरेट करे कि वो हमारा कवर अप हो जाए, देन वी आर इन अ पोजिशन ऑफ सर्वाइवल. और जब सर्वाइवल की पोजिशन हमारी कवर अप हो जाती है तो जो मैनेजर का नेक्स्ट टारगेट होता है प्रॉफिट, कि जो भी इन्वेस्टर है या ऑनर है उसको एक अच्छा फेयर रिटर्न प्रोवाइड करवाना. थर्ड कैटेगरी आती है बच्चों, देयर आफ्टर नेक्स्ट कैटेगरी इज ग्रोथ. अब ये नहीं है बच्चों कि प्रॉफिट कमा लिया और आराम से शांति से बैठ गए कि बहुत हो गया. नो, नेक्स्ट टारगेट इज ग्रो. दैट इज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस. नाउ हाउ कैन यू मेजर दैट सेल ऑफ द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड, कि आपको कैसे पता चलेगा किसी बिजनेस की जो सेल है वो इंक्रीज हो चुकी है. इट्स सिंपल, व्हेन योर सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन बिजनेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस और ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, दैट रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या दिखाती है कि एक बिजनेस की अच्छी खासी ग्रोथ हुई है. And this growth measured on year to year basis. For example, अगर मैं इसका एक example लूँ, last year turnover is rupees 1000 crore. कि हमारी organization का या हमारे business का जो last year का बच्चों turnover था वो क्या था, rupees 1000 crore. And this year turnover is rupees 1500 crore. That definitely represent the growth of 50%, right? So now you can say that there are three organizational objectives. First one is survival. Good. Second one is profit. Very good. And third one is growth. तो बच्चों let's discuss the keywords जो मैंने आपको अभी बताया. अगर मैं बच्चों keywords की बात करता हूँ तो what is the meaning of survival? Can we say that to earn enough revenue to cover cost? To earn enough revenue to cover up cost. Second one is we discuss, that is profit. Profit means to provide fair return to the investors. And third objective, third organizational objective is growth. Growth means to go beyond boundaries, measured or ये जो growth होती है बच्चों, it measured on year to year basis. किस तरह से measure किया जाता है? For this we compare sales, branches और employees increments. These are the some ways to measure the growth of a organization. So यहाँ तक बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि organizational objectives क्या होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. तो आइए जो मैंने आपको समझाया है मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ. नाउ सी यू कैन, जो भी बच्चों मैंने समझाया है एक एक चीज़ आप देखो वही मिलेगी आपको. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट सम बेसिक गोल्स विच इज़ द मेन रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. मैंने आपको यही बताया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों एक बेसिक गोल होता है और इसी गोल को अचीव करना मैनेजर का वो टारगेट होता है. और जो ये गोल होता है बच्चों इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव टू अचीव इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, साइज एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इट इज़ फेसिंग इन द मार्केट. फर्स्ट वन क्या होता है बच्चों, सर्वाइवल. और सर्वाइवल मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, नॉट गेटिंग किल्ड बाय द कॉम्पिटिशन. सेकेंड क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट. प्रॉफिट मैंने क्या बताया था आपको, कि प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर और ऑनर्स. और थर्ड वन क्या होता है बच्चों, ग्रोथ. आप इसको देख लेना, सेम वही सारी वर्डिंग्स आपको मिलेगी जो मैंने आपको लिखवाई है, राइट? तो यहाँ तक बच्चों हमारा क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. That is, it is divided into three parts. First one is survival. Second one is profitability. Third one is growth. अब बच्चों जो मैंने आपको समझाया है
जो मैंने आपको बोला है, आपको बस उसी को विजुलाइज करना है, उसको समझना है, बाद में आपको नोट सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। बुकिश लैंग्वेज अगर आपको देखनी हो तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, दिस इज़ द बुकिश लैंग्वेज की अब सर्वाइवल। हालांकि एक बार चलो मैं आपको ये समझा ही देता हूँ, सर्वाइवल में क्या है बच्चों, सर्वाइवल सिंपली मींस नॉट गेटिंग किल्ड बाय द कंपटीशन, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लाइन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैनेजमेंट शुड जनरेट इनफ रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट, यही था बच्चों कि मैनेजमेंट इतना रिवेन्यू जनरेट करे कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, बस कवर कॉस्ट तक, दिस इज मोर देन सफिशियंट। सेकेंड वन इज प्रॉफिट, सर्वाइव प्रॉफिट में क्या था बच्चों, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एनश्योर द प्रेजेंस ऑफ बिजनेस इन द इंडस्ट्री बट मैनेजर कांट टेक रेस्ट हियर एज द इन्वेस्टर्स पुट देयर हार्ड अर्न मनी, यही कहा था बच्चों, इन द बिजनेस देयर फोर दे एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, भाई जो भी उन्होंने हार्ड अर्न मनी अपनी इन्वेस्ट की हुई है, दे आर एक्सपेक्टिंग फेयर रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, तभी तो आप बिजनेस कर रहे हो, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर पैसा खर्च करने का मतलब ही क्या बनता है, इन्वेस्ट करने का क्या तुक बनता है। तो मैनेजमेंट शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट सो दैट दे कैन प्रोवाइड फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, यही हमने डिस्कस किया था। फॉर दिस पर्पज बिजनेस नीड्स टू इंक्रीज द कस्टमर बेस बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। और थर्ड क्या था बच्चों हमारा, ग्रोथ, मैनेजर शुड कीप इन माइंड दैट अर्निंग प्रॉफिट आर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट द सोल क्राइटेरिया। हाँ, प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी बात है, सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना बच्चों ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, हमें आगे लीड लेना भी जरूरी है। Every business idea is developed to make it large and operate beyond the boundaries. It is very important to go beyond the boundaries. अपनी सेल को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज करना, नंबर ऑफ employees, ब्रांचेज सबको एक्सटेंड करना। When the organization operates at full capacity and even then not able to compete with market demand, it gives a green signal for investing in bigger plants and grow big. Growth of a business can be measured in terms of sales volume, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। तो बच्चों आप देख सकते हो जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर बुक में भी या आपके नोट्स में भी मैंशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों एक मैं आपको थोड़ा आपके सिलेबस से हटके एक बात बताता हूँ, देर इज अ फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी दैट एनी बिजनेस गेट इम्पोर्ट्स फ्रॉम सोसाइटी एंड इट गिव्स इट्स आउटपुट टू द सोसाइटी। भाई कोई भी बिजनेस जो अपना इम्पोर्ट है वो भी उसको सोसाइटी से ही मिलता है और उस इनपुट से जो वो आउटपुट बनाता है वो भी वो सोसाइटी को ही देता है, राइट। इन बिजनेस इम्प्लॉयज आर कमिंग फ्रॉम सोसाइटी, राइट। इम्प्लॉयज भी बच्चों कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से ही आ रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ रॉ मटेरियल वो भी सोसाइटी से आता है, मीन्स एनी इनपुट कमिंग फ्रॉम सोसाइटी एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट ऑन इट वी सेल इट टू द सोसाइटी। भाई जब हम प्रोडक्ट को बच्चों मैन्युफैक्चर कर लेते हैं उसमें फिर कुछ प्रॉफिट वगैरह ऐड करके हम उसको बेचते भी किसका, सोसाइटी को। सोसाइटी के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और सोसाइटी से ही हमने कमाना होता है। तो बच्चों ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट इट शो सम कंसर्न टूवर्ड द सोसाइटी। इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप फ्री में गुड्स वगैरह बांटना शुरू कर दो, नहीं बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि दैट बिजनेस सेल इट्स प्रोडक्ट फ्रीली और आप प्रॉफिट ना कमाओ, भाई 10 रुपये की चीज़ बना के आप 10 में ही बेच दो, नो यू डू नॉट अर्न प्रॉफिट, ये भी इसका मतलब नहीं है। इट मीन्स बिजनेस शुड डू एनी सच एक्टिविटी विच क्रिएट इट्स राइट इमेज, कि बिजनेस को कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे कि एक जो इसके कस्टमर है, जो सोसाइटी में इसकी जो इमेज है वो एक अच्छी इमेज बने। सोसाइटी में जो भी बच्चों एक इसकी इमेज है वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छी इमेज बननी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दूं, इन आवर कंट्री व्हेन एवर टाटा लॉन्च एनी प्रोडक्ट, टाटा का जब भी बच्चों कोई प्रोडक्ट आता है तो लोग विलिंगली चाहते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदना। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टाटा ऑलमोस्ट यूजेस 50% इनकम फॉर सोसाइटी बेनिफिट्स, लाइक ऑन कैंसर हॉस्पिटल, स्कूल, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट टाटा क्रिएट्स राइट इमेज ऑफ इट्स बिजनेस इन द सोसाइटी एंड विच हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द ग्रोथ और यू कैन से इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द बिजनेस। जब बच्चा सोसाइटी से कमा रहे हो, सोसाइटी से इतना आपको मिल रहा है, तो जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो आपकी एक राइट इमेज सोसाइटी के सामने जाती है।
लोग एक मार्केटिंग अप्रोच से आपको नहीं देखते, लोग आपको एक इमोशनल अप्रोच से भी देखना शुरू करते हैं। और हम इंडियंस के लिए बातें समझना आई थिंक ज़्यादा ईजी है कि जब कोई भी हमारे लिए कुछ करता है तो हमारी उसको लेके एक इमोशनल अप्रोच बन जाती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल बच्चों आपका टाटा से अच्छा हो ही नहीं सकता है। टाटा ऑलमोस्ट अपनी इनकम का 50-60% जो लोगों के वेलफेयर में, सोसाइटी के वेलफेयर में खर्च करता है। इसी की वजह से टाटा की जो है बहुत अच्छी इमेज सोसाइटी में बनी हुई है। लोग टाटा के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, विलिंगली खरीदना चाहते हैं। ये कह लो कि आप कई बार तो एक पागलपन भी दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज जो टाटा का जो बिजनेस है उसकी एक राइट इमेज लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने आई है। दैट इज़ बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। इट्स नॉट दैट दैट बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ ए ब्रांड, कि आपका एक प्रोडक्ट एक ब्रांड हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो आप उसको किसी भी कस्टमर को लूटना शुरू कर दो। मीन्स अगर मैं आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ यूजिंग फ्रेंडली मैथड ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। बच्चों वही जो मैंने टाटा का एग्जाम्पल दिया है, एज आई टोल्ड यू टाटा ऑलमोस्ट यूजेज 50% इनकम फॉर सोसाइटी बेनिफिट्स लाइक ऑन कैंसर हॉस्पिटल स्कूल्स। दैट इज वॉट दिस पॉइंट मीन्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी। थर्ड पॉइंट इज सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। यही बच्चों मैं आपको अभी बता रहा था कि इट्स नॉट दैट बिकॉज ए प्रोडक्ट इज ए ब्रांड नाउ, कि आपका प्रोडक्ट अब एक अच्छा खासा ब्रांड बन गया कि आप लोगों को आप लूटना शुरू कर दो। यू स्टार्ट चार्जिंग वेरी हाई प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर। बेटा याद रखना, ये कस्टमर ही इमेज बनाते हैं और यही इमेज गिराते भी हैं। कस्टमर अगर आपकी इमेज बना सकता है तो आपकी इमेज गिरा भी सकता है, राइट? नेक्स्ट बच्चों वही फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो मैंने आपको अभी बताया था, राइट? थर्ड आता है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच्चों काफ़ी हद तक मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल कोई भी बच्चों बिजनेस को जब ज्वाइन करता है उसका एक पर्सनल मोटिव होता है। लाइक वो सैलरी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, इंटर्नशिप हो सकता है, बट ऑल इंडिविजुअल्स एट लास्ट वर्क टूवर्ड द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, राइट? यही हमने स्टडी किया था बच्चों। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए ही आप लगे रहो और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, एज ए मैनेजर आप उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दो। ठीक है, आप एज ए मैनेजर सबको आप मोटिवेट करते हो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अप्रोच करे, लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू बी केयरफुल कि आप ये भी ध्यान रखो कि जो उनका उनका इंडिविजुअल्स मोटो है वो भी अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो, इफ़ यू डू दिस देन दीज इंडिविजुअल्स मोटिवेशन विल डिक्रीज एंड देन दे वॉन्ट टेक एनी इनिशिएटिव, जिससे लॉन्ग रन के अंदर बच्चों जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सफ़र करेगी। बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट इम्प्लॉयज आर द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ इम्प्लॉयज आर स्ट्रांग, योर पिलर्स आर स्ट्रांग, ओनली देन योर ऑर्गेनाइजेशन गेट द ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। ये आपको समझना होगा, राइट? तो आइए स्टडी करते हैं बच्चों क्या होता है। इट इज़ रिलेटेड विद द इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, सच नीड्स मोटिवेट हिम हर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नाउ मैनेजमेंट शुड सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स सच एज फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स का मतलब जैसे बच्चों कॉम्पिटेटिव सैलरीज और पर्क्स, सैलरी के अलावा और भी जो फैसिलिटीज होती है, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब आप कोई भी चीज़ करते हो बच्चों, एक मतलब इफ दे आर टेकिंग एनी इनिशिएटिव तो उनको और गिविंग मोर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये ज़रूरी है कि भाई जो भी उनकी सैलरी है बाकियों के कंपेरेटिवली वो एक अच्छी हाई होनी चाहिए। आप ये समझो ना, सोशल पीयर रिकॉग्निशन का मतलब तो ये है कि भाई आपने अगर कुछ भी अच्छा किया तो मैं आपको सभी के बीच में अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी और आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। और अगर मैं हायर लेवल नीड्स की बात करता हूँ तो बच्चों पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, भाई अगर कोई भी इंडिविजुअल बाकियों से अच्छी आउटपुट दे रहा है, अपना
इनिशिएटिव दे रहा है बिजनेस को, तो ऑब्वियसली बिजनेस को भी देखना चाहिए कि उसको एक बाकियों के कंपैरेटिवली एक अच्छा प्रमोशन दे और सैलरी दे, जिससे बाकी लोगों को भी एक राइट मैसेज आएगा कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें राइट एक अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। दैट इज़ बच्चों हायर लेवल नीड्स, राइट। तो बच्चों आज हमने ये सीखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स क्या होती है। मैं एक बार आपको अगर थोड़ा सा ब्रश अप करवाऊँ तो सबसे पहले बच्चों कितने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3। फर्स्ट वन इज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंड होता है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड होता है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है दैट अगेन डिवाइडेड इंटू 3 सब कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, वेरी गुड। सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज़ ग्रोथ। अगर बच्चों मैं सर्वाइवल की बात करता हूँ, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, टू कवर अप द कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, कि जो भी बिजनेस का रिवेन्यू और सेल है उससे बिजनेस की कॉस्ट और एक्सपेंडिचर कवर होनी चाहिए। और जब हम उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो मैनेजर का होता है कि जो भी इन्वेस्टर या ऑनर ने अपनी हार्ड अर्न मनी जो इन्वेस्ट की हुई है उस पर एक अच्छा फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना, और उसके बाद फिर एक अच्छी ग्रोथ लेना, राइट। सेकेंड था बच्चों आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, भाई सोसाइटी से ही बिजनेस को इनपुट्स मिलते हैं, जो अपने आउटपुट्स वो सेल करता है वो भी सोसाइटी को ही करता है, तो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छी इमेज अपनी सोसाइटी में रखे। इसका परफेक्ट एग्जांपल बच्चों मैंने आपको दिया टाटा का, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, यानी कल को ब्रांड बन गया तो लोगों को लूटना शुरू कर दें। और थर्ड है बच्चों पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका एक अपना मोटो होता है, तो उस मोटो को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है वो काम कर रहा है, सारे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम कर रहा है, पर साथ में यू हैव टू मेक श्योर एज ए मैनेजर कि उस इंडिविजुअल को भी एक अच्छी ग्रोथ मिले, उसको उसकी सैलरी में इन टर्म्स ऑफ सैलरी उसकी अच्छी ग्रोथ हो, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन उसको ग्रोथ मिले, सो दैट उसको एक मोटिवेशन मिले कि जिस इंडिविजुअल टारगेट्स को लेके उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था वो उसके अचीव हो रहे हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बच्चों। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, कोई आपको नोट्स नहीं बनाने, आपने सिर्फ लेक्चर्स को सुनना है। अब आपके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर जो मैं आपका स्टडी मटेरियल में अपलोड करूँगा, सेकेंड लेक्चर जो है मैं आपका बच्चों आपका इसमें आपकी बैच जो आपका रिवीजन बैच है बिजनेस स्टडी का उसमें अपलोड करूँगा, और थर्ड लेक्चर जो होगा वो आपका ये बैच क्लास का होगा, और उसके बाद आपका वेडनेसडे को आपका इसका फर्स्ट ओरल टेस्ट कंडक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 लेक्चर्स, राइट। सो दैट इज़ फॉर टू डेज क्लास, थैंक यू। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे मैंशन कर सकते हो व्हाट्सएप पर, एंड आई विल टेक योर डाउट्स बिफोर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।